हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर क्वेरी ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम नंबर फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि पावर क्वेरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 7 फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि हैं इज इवन, इज ऑड, साइन, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि आपको पता है कि नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सेम इज़ द केस विद एक्सेल। एक्सेल में जब हमारे पास नंबर्स होते हैं तो उन नंबर्स के ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से पावर क्वेरी में हमारे पास ये सारे नंबर फंक्शंस हैं जिनको हम अपने नंबर फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करके उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं, क्या इनका सिंटेक्स है, क्या इनका मीनिंग है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा की बात करेंगे। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स के नेम हैं और उनके प्रॉफिट हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ इंडिकेट करती हैं कि ये हमारा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लॉस हुआ है और पॉजिटिव वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास गेन हुआ है। तो प्रॉफिट या फिर लॉस, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इन सभी फंक्शंस की, लेकिन उससे पहले हमें इस डेटा को पावर क्वेरी में लेके जाना होगा। तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगी डेटा टैब में और आपको फर्स्ट यहाँ पे ग्रुप मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है फ्रॉम टेबल और रेंज। मैं इस पर क्लिक करूँगी। अगर आपका डेटा कहीं और पड़ा हुआ है तो आप गेट डेटा से अपना सोर्स बताकर वहाँ से अपना डेटा पावर क्वेरी एडिटर में ला सकते हैं। तो मैंने फ्रॉम टेबल एंड रेंज जैसे ही सिलेक्ट किया तो करंट जो टेबल है वो मेरा पावर क्वेरी एडिटर में आ चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो कॉलम्स है विद प्रोडक्ट नेम एंड प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम नंबर फंक्शंस अप्लाई करने वाले हैं, तो नंबर फंक्शंस अब आपको मिलेंगे कहाँ पे? उसके लिए आपको ऐड कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रुप मिलेगा फ्रॉम नंबर। अभी के लिए ये सारे इनएक्टिव हैं क्योंकि मेरा जो कॉलम सिलेक्टेड है उसमें टेक्स्ट है, उसमें नंबर्स नहीं है। एज सून एज मैं अपना प्रॉफिट कॉलम को सिलेक्ट करूँगी तो देखिए ये सारे एक्टिवेट हो चुके। तो फ्रॉम नंबर एक ग्रुप है जिसमें आपको ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस मिलेंगे जो आपके नंबर्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे इन फंक्शंस की। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज साइन। मैंने अपना कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूँगी और मैं साइन पे क्लिक करूँगी। एज सून एज मैंने साइन पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास -1, 1 इसी रेंज में नंबर्स जो हैं वो आ गए हैं। तो -1 इंडिकेट करता है हमारी नेगेटिव वैल्यू, मीन्स ये आपका लॉस हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए, और +1 इंडिकेट करता है हमारा प्रॉफिट। अगर ये वैल्यू 0 है तो इट मींस आपका जो प्रॉफिट है वो 0 हुआ है, उसी केस में ये वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज -1 और 1 आएगी। अब नेक्स्ट मैं फिर से प्रॉफिट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, देन इज इवन पे क्लिक करेंगे। इज इवन फंक्शन क्या करता है, ये हमें बताता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो इवन है या ऑड है। अगर नंबर मेरा इवन होगा तो वहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी ट्रू, अगर नंबर आपका ऑड है तो ये वैल्यू आएगी फॉल्स। तो देखिए अभी तो मेरे पास डेटा बहुत कम है, लेकिन जब आप कंपनीज का डेटा देखेंगे वो बहुत ही बल्क में डेटा होता है और नंबर सिर्फ इतने ही नहीं होते। 8923 जैसे मैंने यहाँ पे अपना सैम्पल डेटा लिया है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो उस टाइम पे ये सारे फंक्शंस बहुत काम आते। तो ये तो हुआ इज इवन, सेम हमारे पास होता है नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज ऑड। तो इज ऑड के केस में जो नंबर ऑड होंगे वहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगी और जो नंबर इवन होंगे वो आएंगी फॉल्स वैल्यू। तो ये तीनों तो अब हमने कर लिए हैं, साइन, इज इवन एंड इज ऑड। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी हम इनको कर देंगे रिमूव, क्योंकि अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शंस को अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट हमारे फंक्शंस आते हैं राउंड फंक्शन। अब राउंडिंग का मतलब क्या है, जैसे आप कहीं भी कोई सामान परचेज करते हैं तो कई बार आपका बिल बनता है जैसे 45 रुपीज़ एंड 35 पैसे, तो जो आपके 35 पैसे बने हैं कई बार आपको राउंड ऑफ करके ये टोटल रुपीज़ 46 बना दिए जाते हैं, तो कई जगह आपको सिर्फ 45 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है कि जो भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, डेसिमल प्लेस पे नंबर्स पड़े हुए हैं, उनको एक राउंड करके वैल्यू दे देना, या तो उसको पूरा ही एक इंटीजर बना देना, या फिर उसके जो डेसिमल में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उसको हटा देना। तो राउंड के लिए हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। तो सबसे पहले राउंड अप की वैल्यू देखते हैं। तो मैंने प्रॉफिट को सिलेक्ट किया, राउंडिंग पे जाएंगे और राउंड अप पे क्लिक करेंगे। तो राउंड अप का मतलब क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू है, जैसे 45.65 है, तो वहाँ पे हमारा जो नंबर होगा तो वो 46 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अपने डेटा सेट में थोड़े से चेंजेस करती हूँ ताकि हमें राउंड होके वैल्यूज़ जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए डेटा में मैंने अपने चेंजेस कर लिए हैं, जैसे फर्स्ट या लैपटॉप की वैल्यू 89.85 है, तो मैं दोबारा से ऐड कॉलम में जाकर राउंडिंग पे क्लिक करके राउंड अप पे क्लिक करूँगी। तो देखिए 89.85 है, तो इसने राउंड अप करके वैल्यू दिखा दी है 89, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। वहीं सेकंड देखें 23.52, तो ये आ गया है 24, और हमारा 120.8 ये आ गया है 121। तो इस तरह से नंबर्स को इसने बढ़ा दिया है बाय 1। अगर हम राउंड डाउन की बात करें, वो इसका रिवर्स है, तो उसमें आपकी एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो राउंडिंग में जाकर राउंड डाउन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है जिसकी वजह से ये आ गया -90। ये 23.52 है तो ये 23 बन गया। नेक्स्ट 120.8 है तो ये 120। तो देखिए राउंड अप में ये 121 था और राउंड डाउन में ये वैल्यू 120 हो गई है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बहुत इफेक्ट पड़ता है जब आप राउंड फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो अब थर्ड हमारा फंक्शन है राउंड। राउंड के केस में क्या होगा कि जो भी आपके डेसिमल वैल्यूज होंगे उनको हटा दिया जाता है, और उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने वैल्यू रखनी है, कितने तक आपने वैल्यू को जो है वहाँ से हटा देना है। तो उसके लिए राउंड पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसने पूछा है स्पेसिफाई हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस टू राउंड टू, कितने डेसिमल प्लेसेस को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 0 करेंगे एंड ओके। जैसे ही मैंने 0 किया तो देखिए ये डेसिमल इसने हटा दिए हैं और राउंड ऑफ करके हमें जो वैल्यू है वो मिल गई है। तो इस तरह से काम करते हैं ये तीनों फंक्शंस। अब लास्ट में हमारे पास एक फंक्शन है, दैट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या होता है कि जो भी आपकी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, प्लस माइनस के जो साइन है वो उसको हटा देगा, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव में शो होंगी। तो उसके लिए आपको साइंटिफिक पे क्लिक करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू पे क्लिक करना है। देखिए इसने सारे के सारे नेगेटिव जो साइन है वो आपके डेटा से हटा दिए हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपको डेटा की दिखाई दे रही हैं जो कि सभी पॉजिटिव होती हैं। तो ये थे हमारे ऐसे 7 नंबर फंक्शंस जो आप पावर क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप होम टैब में जाएंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी एक नई शीट ओपन होगी जिसमें ये सारा का सारा डेटा सेव होगा। और मोर ओवर अगर आप अपने सैम्पल डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। अगर आप डेटा ऐड करते हैं तो डेटा एडिशन के बाद ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी उस डेटा को ऐड करके यहाँ पे दिखाएगा, सिर्फ आपको इसको रिफ्रेश करना होगा। तो आई होप ये फंक्शंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।